साथ और लगातार इस तरीके से पर्यटन विभाग जो है, कल्चरल मिनिस्ट्री जो है, इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है कि जो वीवीआईपी गेस्ट, जो स्टेट गेस्ट, जिन 8000 लोगों को ट्रस्ट के तरफ से न्योता दिया गया, वो जब यहाँ पहुँचेंगे तो वो इसका लुत्फ उठा पाएंगे। किस तरीके से यहाँ पर जो कल्चरल प्रोग्राम है हरियाणा के पलवल से यहाँ पर पेश करते हुए, और इस तरीके से पूरे धर्म पथ पर भक्ति। तो देखिए, हम आपको लगातार उत्सव की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त हम देखिए राम पथ पर मौजूद हैं, और आप देखिए किस तरीके से उत्सव यहाँ पर बन रहा है। दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए? बनारस की छटा भी अयोध्या पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए इस उत्सव में किस तरीके से लोग जो है अपनी अपनी सेना की तरह सुनिश्चित कर रहे हैं। इन दो नगाड़ों की ताप से आप समझ सकते हैं कि अयोध्या की राम धुन अब विश्व भर में सुनाई दे रही है। एक बार में जाकर आपको ये राम धुन फिर से सुना रही हूँ। आप देखिए बनारस की छटा अयोध्या पहुँच चुकी है। आज का दिन आपके लिए कैसा है? बहुत अच्छा है, खुश है? बहुत खुश। उत्सव मना रहे हैं? एकदम। देखिए उत्सव मनाया जा रहा है, और ये बनारस से आए हैं ये लोग। उस तरफ देखिए कैसे फूलों के साथ सजाया गया है स्वागतम नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश। ऐसा कोना कोना जगमगा रहा है आज अयोध्या का कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस तरीके का माहौल जो आपको नजर आएगा। आप कहाँ से आए? मैं केरला से। केरला से आए? अयोध्या कैसा लग रहा है आज का दिन? कितना खास है? बहुत अच्छा है। अच्छा, देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर कुछ तस्वीरें भी खींच रहे हैं। आपके लिए आज का दिन कैसा है? आज काशी का विश्व प्रसिद्ध डमरू दल यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहा है, और संस्कृत विभाग के तौर पर कैसा है आपके लिए आज का? बहुत अच्छा। विश्वनाथ मंदिर की ओर से हम लोग आए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है अयोध्या में? काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से ये छटा देखिए, आप ये महोत्सव देखिए, ये उत्सव देखिए, आज खुशी डबल हो जाएगी आपको। आपको सिर्फ अपने घरों पर बैठ कर न्यूज एजिन इंडिया देखना है, क्योंकि हर तस्वीर राम उत्सव की, राम महोत्सव की आपको यहीं पर नजर आएगी। ये छटा जो है आज अयोध्या के कोने कोने से नजर आने वाली है, क्योंकि ये महोत्सव इसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा था। आप देखिए किस तरीके से लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन फिर भी आज का दिन महत्वपूर्ण है, इसीलिए लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं और जा रहे हैं। इस क्षण, इस पल का वो जो इंतजार कर रहे थे, वो आज वो क्षण वो पल देख ले। अरुण, आप कहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ पर ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग झूम रहे हैं। जब कहेंगे तो राम पथ पर मैं इस वक्त हूँ, और आप देखिए कि देश के तमाम हिस्सों से, तमाम राज्यों से जो कलाकार हैं अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हरियाणा से आए हुए तुम्बा बजाने वाले लोग हैं। जरा आप जरा बजा के दिखाइए किस तरह से आप लोग बजा रहे हैं तुम्बा।
हरियाणा के कलाकार थे, किस तरह से जय श्री राम के नारों के साथ सजा दो। तो आपको हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं और दिन भर कहीं मत जाइएगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर गड़कर बैठे रहिएगा और वहीं देखिएगा अयोध्या की छटा। फिर से कैशन दिखाइए क्योंकि दिन निकल आया है, अब सुंदरता दिखाई दे रही है। ताली बजाइए, घर सजाइए, दीप जलाइए क्योंकि मेरे राम आए हैं, रघुनंदन आए हैं। 500 साल इंतजार राम ने कराया है, तब बड़े देर बाद आए हैं, तो क्यों ना घर सजाएं, क्यों ना दीप जलाएं और क्यों ना हम भोग बनाएं। तो कितना खूबसूरत लग रहा है, अब मैं क्या शब्दों में इसका वर्णन करूं, सब कुछ तस्वीरें बयां कर दे रही हैं। लेकिन इन सबके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होगा ये हम आपको बता देते हैं। 10:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अयोध्या की धरती पर। तर्पण, समर्पण, संघर्ष, सब कुछ है प्रधानमंत्री की इस जर्नी में। यहाँ से शुरू किया था, कार सेवक लेकर चले थे और पीछे से पर्दे के, लेकिन देखिए समय बदला और कैसे वो अब पर्दे के सामने आ गए और जो प्रण लिया उसे पूरा कर रहे हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है प्रधानमंत्री का वो हम आपको दिखा रहे हैं। 10:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या की धरती पर लैंड करेंगे, उसके बाद हेलीपैड जाना है और उसके बाद राम जन्मभूमि की ओर आएंगे। अभी कोई कार्यक्रम नहीं आया है लेकिन जैसी व्यवस्था मैं देख रही हूँ पूरी तरह से राम में, आप देख सकते हैं सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं उनका आना शुरू हो गया है सड़कों पर। वो उतर कर प्रभु श्री राम लला के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन सर्दी का भी प्रकोप है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस कर्मी जो सुरक्षा में लगाए गए हैं वो सर्दी से बचने के लिए जो हीटर लगाए गए हैं, जो गैस हीटर लगाए गए हैं रोड के सहारे, उन पर वो सर्दी दूर भगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उस गैस हीटर का प्रयोग करते हुए उसके आसपास वो खड़े हो गए हैं, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो इन सब से दूर, इन सबको परे हटाकर श्रद्धा के वशीभूत होकर लगातार वो सड़कों पर उतरे। कहाँ से आए आप? राजस्थान से आया हूँ मैं, मारवाड़ी हूँ। मारवाड़ी है, ये जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उनकी मैं भगवान राम के वंशज की बही लेकर के आया हूँ। आप कहाँ से आए हैं? हम मुंबई से आए हैं और कल इनका जन्मदिवस था तो आज हम लोगों को बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। तो हम लोग ने चाहा कि भगवान के पुण्य राम के जन्म से पहले एक आ गए। जी ठीक है। अयोध्या ही नहीं, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी दुनिया राम में हो गई है। विदेश में राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है, चाहे अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को हो या ब्रिटेन में राम सीता की आरती की गई हो या सिडनी में दीपावली मनाई गई, यानी पूरी दुनिया में दीपावली माहौल है। हर कोई राम के, प्रभु राम लला के आने का इंतजार कर रहा है और केवल अयोध्या देश यानी कि भारत में ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इसी तरह का माहौल है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ हैं। अमित, क्या तस्वीरें हैं आपके पास, किस तरह का माहौल है? देखिए इस वक्त हम लगातार आपको कलर्स दिखा रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी खबर आपको हम बता दें, उससे भी बड़ी खबर हम आपको बता दें कि लोगों से अपील की गई थी कि वो अयोध्या के तरफ ना आए, जिनके पास पास है केवल वही आए, लेकिन लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऐतिहासिक क्षण है और हर कोई भागीदार बनना चाह रहा है इस ऐतिहासिक क्षण का। एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मथुरा के हैं कलाकार और किस तरीके से यहाँ पर ढोल नगाड़ों पर थिरकते हुए। कहाँ से हैं आप लोग? जी हम मथुरा से आए हैं, खजान सिंह बमरसिया नगारा पार्टी, और मुख्यमंत्री मोदी जी को हमको बुलाया है और आज भगवान अपने घर में आ रहे हैं, इससे बड़ी खुशी कोई चीज ही नहीं है। और ऐसा प्रधानमंत्री देश का और भी दोबारा भी बने, हम तो ये कहें दोबारा भी बने ऐसा प्रधानमंत्री, इस तरीके से लोगों का कहना है। दूसरी तरफ मैं दिखाऊं तो वीवीआईपी मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो लोग अयोध्या पहुँचे हैं वो इस वक्त सरयू की तरफ जा रहे हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखा दें। ये रामपथ है, लता मंगेशकर चौक से रामपथ जाने वाला सड़क, और यहाँ पर कलर्स देखिए यहाँ पर किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और लगातार हर कोई हनुमानगढ़ी की तरफ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ पर आपको और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत कराते हैं। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? यही से, अयोध्या से।
अयोध्या से कितना मजा आ रहा है आज का दृश्य? बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है, बहुत भव्य और बहुत दिव्य रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इससे बहुत खुशी हो रही है, बहुत हर व्यक्ति के अंदर बहुत हर्षोल्लास के साथ लोग के अंदर हर्षोल्लास है। और भी यहाँ पर शख्स है, इनसे बात, कहाँ से है आप लोग? कहाँ से? सीतामढ़ी जिला। कैसे आ गए आप लोग? आज तो बिना पास का एंट्री नहीं था। कल ही आए हम, कल ही आ गए सर जी। देखिए जोश और जज्बा, कल ही आ गए, रात भर कैसे रुके इतने ठंड में? कहाँ से हो आप लोग? बिहार। प्रयागराज से? बिहार। बिहार। बिहार से? आप कहाँ से? नांदेड़ से। कैसे आए आप लोग बिना पास के? ये पास नहीं हो, रेलवे से आए। रेलवे से आए तो देखिए हर कोई अपने आप को रोक नहीं पा रहा है और हर कोई बढ़ता हुआ जा रहा है आगे हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए। फूलों से सजावट की गई है, प्लस मैं यहाँ एक और तस्वीर दिखाऊं, रंगोली सड़क पे नीचे यहाँ बनाई गई है। देखिए रंगोली सड़क पे नीचे बनाई गई है, सजावट की गई है हर तरफ। और भी गाई यहाँ पर लोक संगीत पेश करने के लिए जो कलाकार है वो पहुँच रहे हैं। कहाँ से है आप लोग? वृंदावन से। वृंदावन से क्या पेश करने वाली है, क्या प्रधानमंत्री मोदी को? मयूर नृत्य। जरा दिखा सकती है? एक स्टेज पर जा रही है। लेट हो रहा मैं मंच पर बनना है। तो देखिए क्या मयूर गुरु से हम लोग जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करने आए हैं वृंदावन से, जो है आज प्रभु श्री राम का जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ से देश विदेश से लोग आ रहे हैं और बहुत ही दिव्य प्रोग्राम है यहाँ का जो है। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो। चलिए अब आपने यहाँ के रंग देख लिए, आपको सात समंदर पार लिए चलते हैं। प्रिया कुलकर्णी हमारे साथ अमेरिका से लाइव जुड़ रही है, हमारी सहयोगी, जरा चलते वहाँ। प्रिया यहाँ तो होना ही था, लेकिन अमेरिका भी रंगा हुआ है राम के रंग में। यहाँ पे भगवा रैली है और यहाँ पे बच्चे रामलीला कर रहे हैं।